नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीता। टेस्टी गोवन हेरिटेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोवन स्टाइल बांगड़ाचे हुमण यानी बांगड़ा करी। बांगड़ा एक टेस्टी फिश है जिसे ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। इसे खाना और बनाना बहुत ही आसान है। बांगड़ा करी बहुत ही औसम लगती है। करी के लिए मसाला पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए मिक्सी में मैंने 8 से 10 भिड़गी मिर्च ले ली। बेड़गी मिर्च कम तीखे होते हैं लेकिन इससे करी को बढ़िया रेड कलर आ जाता है। 1 चम्मच साबुत धनिया, 5 से 6 काली मिर्च, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 कटोरी ताजा कसा हुआ नारियल, 4 लहसुन की कलियां, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 4 ड्राई आम के टुकड़े जिसे हम सोला बोलते हैं, जो मैंने भिगो के रखे थे, डाल दिए। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी एक फाइन पेस्ट बना के लेते हैं। हमने मसाले की फाइन पेस्ट बना ली है। मैंने 3 फ्रेश बांगड़े को साफ करके टुकड़े करके नमक लगा के रखा है। एक क्ले पॉट में मसाला पेस्ट डाल दी। इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। करी हमें थोड़ी गाढ़ी ही बनानी है। पॉट को गैस पर रख दिया। मुझे मसाला थोड़ा थिक लगता है इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। इसमें स्वादानुसार नमक डाला। 7-8 त्रिफला थोड़े से क्रश करके डाल दिए। करी में त्रिफला डालने से गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और इससे ग्रेवी को एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख दीजिए। मसाला बॉईल होने लगा है, इसमें बांगड़े के टुकड़े और 4-5 कोकम डाल दिए। लीड रख के थोड़ी देर के लिए उबालने देते हैं। लीड निकाल के हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। क्ले पॉट को थोड़ा सा हिलाते हैं। करी अच्छे से उबल गई है, गैस को ऑफ करते हैं। बांगड़ा करी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे राइस, पाव, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक माउथ वाटरिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।